शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने घोषणा की है कि प्राचीन पैरों के निशान, जिन्हें पहले टेरोसोर का माना जाता था, आज के मगरमच्छों के पूर्वजों द्वारा बनाए गए होंगे, जो डायनासोरों की तरह दो पैरों से चलते थे। जीवाश्म पैरों के निशान, जिनके बारे में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वे 110 से 120 मिलियन वर्ष पुराने हैं, दक्षिण कोरिया के सांचेओन शहर के पास जिंजू रॉक फॉर्मेशन में खोजे गए थे। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी एंथनी रोमेलियो नए अध्ययन के सहलेखक है, जिसे 11 जून 2020 को सहकर्मी समीक्षित पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। मगरमच्छ के पूर्वजों के पैरों के निशान करीब 24 सेंटीमीटर लंबे हैं, जिसे पता चलता है कि ट्रैक बनाने वालों के पैर लगभग एक वयस्क इंसान के पैरों के बराबर ही लंबे थे। ये लंबे जानवर थे जिनकी लंबाई हमारे अनुमान के मुताबिक 3 मीटर या 10 फीट से ज्यादा थी। हालांकि साइट पर हर जगह पैरों के निशान थे, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि वहां कोई हाथ का निशान नहीं था। आमतौर पर मगरमच्छ एक जगह बैठकर चलते हैं और अपने रास्ते चौड़े बनाते हैं। अजीब बात यह है कि हमारे रास्ते बहुत ही संकरे दिखते हैं, जैसे कि मगरमच्छ रस्सी पर संतुलन बनाए हुए हो। इन निशानों के बीच पूंछ का किसी भी तरह का निशान न होने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि ये द्विपाद रूप से चल रहे थे। वे कई डायनासोर की तरह चल रहे थे, लेकिन उनके पैरों के निशान डायनासोर के नहीं थे। मगरमच्छ अपने पैरों के तलवों पर चलते हैं और अपनी एड़ी के निशान छोड़ते हैं, जैसे मनुष्य करते हैं। एशिया में मगरमच्छ के जीवाश्म पद चिन्ह काफी दुर्लभ है, इसीलिए लगभग 100 पद चिन्हों की बहुतायत में प्राप्ति असाधारण थी। कुल मिलाकर शोधकर्ताओं का कहना है कि 110 से 120 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पद चिन्हों का मार्ग संभवतः प्राचीन मगरमच्छों द्वारा बनाया गया होगा, जो दो पिछले पैरों पर चलते थे, जिनकी लंबाई लगभग वयस्क मानव पैरों के बराबर होती है।